आइए दोस्तों देखते हैं एमपीआई स्टूडियो के माध्यम से, जिसके प्रॉप राइटर हैं श्रीमान प्रेम भैया जी, मैनपुरी के रहने वाले हैं। देखते हैं इस बारामासी की ओर, जिस समय मेघनाथ की शक्ति लग जाती है रणभूमि में, मेघनाथ जब लक्ष्मण ने मौत के घाट उतार दिए तो मेघनाथ की भुजा कट करके लंका में गिरी है। रानी सिलोचा ने देखा तो भुजा को देख करके रोने लगी है सिलोचा। फिरोज खान भैया कैसे अरे लखी सैया की भुजा सिलोचा बिलखी बिलखी रोबे अरे सिलोचा बिलखी बिलखी रोबे जके ने नब जलधार मात सुवन से मुख धोबे भैया अरे भैया आज सिलोचा अपने पति की भुजा को देख करके रोने लगी है बॉबी भैया। अरे मात अजु गैया सी रोई बहुत सुंदर अजय भैया। अरे मात अजु गैया सी रोई और तुम बिन मेरे कंठ पिया मेरो दूजो नहीं कोई आज मैया सिलोचा अन्य अन्य भांति से रोने लगी है। अरे धीर में कैसे दारूंगी बेटा रुच अरे धीर में कैसे दारूंगी मैं किन को करूं श्रृंगार के बिछुआ किन के दारूंगी भैया आज सिलोचा बार बार रो करके अपने ससुर रावण को धिक्कार दे रही है। मन में सोचती है रानी सिलोचा अरे ससुरनी कर लई मन मानी अरे ससुरनी कर लई मन मानी मेरे पिया दे मरवाई लंक पे बिपता मड़ रानी आज जब सिलोचा को रोते हुए देखा मैया सिलोचा की सास मंदोदरी भाग करके पास में आई प्रेम भैया। जब सिलोचा को रोते हुए देखा तो सिलोचा बोली है अरे सासु मेरी सुन ली और बानी अरे सासु मेरी सुन ली ओ बानी
द्रौपदी बिना मेरी सास व्यर्थ है मेरी जिंदगानी। पति बिना मैया सुनो, अरे भुजा रखी है महल नमी, अरे भुजा रखी है रे महल नमी, और रही सिलो चारो शीस पति को रामा दलवी। भैया सुलोचा अपनी सास मंदोदरी से कहने लगी है, मैया मेरे अंतिम शब्द सुनो और मेरी मात्र इतनी ही कही करो मैया। अरे शीस मेरे पति को मंगाई दियो, अरे शीस पति को मंगवाई दियो, मेरी मानो मैया बात पति संग सती कराई दियो, मेरी मानो